धर्मों पर सियासत राजनीतिक दलों का पैतरा है। दिल तोड़कर जवान पर मजहब ही लड़ाई दे दी जाती है। नारों पर बुलंद होता है सियासत और मोहरा बनाए जाते हैं आम नागरिक। लेकिन जब हिंदुस्तान को करीब से देखें तो मोहब्बत का पैगाम मिलेगा, क्योंकि आम हिंदुस्तानी मोहब्बत जानते हैं। वहीं हर रोज देश में होती धार्मिक लड़ाइयों को रंग तो राजनीतिक दल देते हैं। आज झारखंड से आई इस खबर को देखकर आप भी बेहद खुश होंगे और इस असलियत से वाकिफ होंगे कि हर हिंदुस्तानी मोहब्बत जानता है। आग तो सियासतदार लगाते हैं। झारखंड की उपराजधानी दुमका के मोहम्मद नौसाद शेख ने सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल पेश की है। इस्लाम धर्म के पाबंद मोहम्मद नौसाद शेख की कृष्ण भक्ति इन दिनों चर्चा में है। करीब चार दशकों से प्रभु कृष्ण के उपासक मोहम्मद नौसाद शेख ने अपने गांव में खुद के खर्च पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया है। 40 लाख रुपए खर्च कर ये मंदिर बनाया गया है। नौसाद ने ये मंदिर बनाकर पूरे देश को एकता, सद्भाव व भाईचारे का संदेश देने की कोशिश की है। पेशे से प्रखंड उप प्रमुख मोहम्मद नौसाद सभी मजहबों का सम्मान करते हैं और उनके इस पहल की मुस्लिम समुदाय से लेकर हिंदू समाज तक सराहना कर रहा है। इस मंदिर का उद्घाटन सोमवार 24 फरवरी को भव्य रूप से किया जाएगा। पूरी दुनिया को एकता एवं अखंडता का संदेश देने वाले देश भारत में आज भले ही धर्म को लेकर लोगों के बीच दूरियां बढ़ रही है, चुनावों में धर्म को आधार बनाकर राजनीति की जा रही हो, लेकिन आज भी भारत में लाखों ऐसे शांति व सद्भाव प्रिय लोग हैं जो जाति धर्म से अलग हटकर देश और दुनिया को सांप्रदायिक सौहार्द और अनेकता में एकता का संदेश देने का काम कर रहे हैं। दुमका के रानीश्वर प्रखंड के महीस बथान गांव के रहने वाले मोहम्मद नौसाद शेख ने सांप्रदायिक सौहार्द की एक ऐसी मिसाल पेश की है जिससे हर भारतीय, खासकर वोट बैंक के खातिर जाति व धर्म की राजनीति करने वाले नेताओं और उनके समर्थकों को सबक लेने की जरूरत है। मोहम्मद नौसाद गांव के प्रखंड उप प्रमुख है और दूसरे धर्मों के प्रति न सिर्फ आदर सद्भाव रखते बल्कि दूसरे धर्म के धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर शामिल होते हैं। इसी कड़ी में करीब चार दशकों से कृष्ण भक्ति में डूबे समाज से भी मोहम्मद नौसाद ने अपने निजी खर्च से भगवान श्री कृष्ण के पार्थ सारथी स्वरूप का विराट मंदिर बना दिया, जिसका निर्माण कार्य अब अंतिम चरणों में है। मंदिर का निर्माण कार्य नौसाद खुद अपनी देखरेख में करवा रहे हैं। नौसाद कहते हैं, भले उनका जन्म मुस्लिम धर्म में हुआ हो लेकिन इस्लाम उन पर पाबंद नहीं लगाता, तभी वह खुलकर हिंदू धर्म में भी गहरी आस्था रखते हैं और इसी का प्रतीक है ये मंदिर। जब लोगों ने उनसे मंदिर बनवाने का कारण पूछा तो नौसाद ने कोलकाता के मायापुरी मंदिर का जिक्र किया। मायापुर में उन्हें भगवान श्री कृष्ण का स्वप्न आया, जिस स्वप्न में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उनके गांव में पाया, जिसके बाद नौसाद ने मंदिर बनवाने का ठाना। बता दें, कलकत्ता के मायापुर में भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर है। नौसाद मानते हैं सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, सभी धर्म के जो धार्मिक कार्य हैं उनमें भाग लेना चाहिए ताकि एक सामाजिक धार्मिक सौहार्द और भाईचारा का माहौल बना रहे। वहीं गांव के जानकार बताते हैं कि करीब 300 साल पहले बंगाल के हैतमपुर स्टेट के राज परिवार ने प्रभु पार्थ सारथी की पूजा मिट्टी की प्रतिमा बनाकर शुरू की थी। महेश बथान इसी स्टेट के अंदर आता था, लेकिन जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद ये बंद हो गया था। करीब 1980 के दशक में रानीश्वर के प्रमुख मोहम्मद कादिर ने यहाँ पूजा फिर से शुरू करवाई। मोहम्मद नौसाद के इस पहल से गांव के हिंदू व मुस्लिम समाज के लोग भी खुश हैं और सभी इसका सराहना कर रहे हैं। मंदिर का निर्माण कर रहे राजमिस्त्री तक मोहम्मद नौसाद की पहल की सराहना कर रहे हैं। दुमका के मोहम्मद नौसाद शेख का ये समर्पण देश को एकता के सूत्र में पिरो कर रखने का एक अच्छा संदेश देता है और इससे हर भारतीय को शिक्षा लेने की जरूरत है। यहाँ जो पार्थ सारथी का पूजा होता था, यहाँ आपका हैतमपुर का स्टेट का राजा जो थे वही शुरू किए थे पूजा का। इसके बाद उनके जाने के बाद जब ये हो गया, माने उसका राज चला गया, तब हम लोग के यहाँ एगो को प्रमुख थे प्रखंड के, कादिर शेख नाम था, वो एक साल दो साल कराया था। हाँ, इसके बाद से तो उसका एगो भतीजा था लियाकत शेख और अबुल शेख, और हम लोग का यहाँ कनाया हाजरा, इसके बाद गौतम चटर्जी, नारायण चौधरी, ये सब हम सब मिलके यहाँ पूजा पाठ या गाना बजना का प्रोग्राम करते थे। वो पेंडल के बाद में खुला मैदान में होता था, और अभी जो हुआ उसको अभी यहाँ मंदिर बन रहा है पर श्री श्री पार्थ सारथी का, तो ये मंदिर हम निजी अपनी फंड से बना रहे हैं और गांव के लोगों को और यहाँ के समाज के लोगों को एकता का प्रतीक देना चाहते हैं। और
माने इसमें भेदभाव कुछ नहीं है, जात पात कुछ नहीं, ईश्वर एक है और एक रहेगा, यही हम देशवासियों को माने जानना चाहते हैं। मंदिर का ख्याल आया, जो हम एक बार गए थे यहाँ मायापुर निमाई ठाकुर के यहाँ, तो वहाँ रात में ठहरे थे, वहाँ सपना आया मुझे जो तुम जाओ तुम्हारे यहाँ तो एगो वहाँ मंदिर बनाओ, वहाँ तो है भगवान, तो वहाँ है तुम्हारे यहाँ। तो हम उसी समय से आए, इसके बाद 10/1/2019 को ये मंदिर का माने ये किए, ग्रो शिलान्यास किए, शिलान्यास करके काम को चालू किए। आज हमारा कंप्लीट हो रहा है, सोमवार का दिन जो है ना, सोमवार का दिन इसका ये है जलाभिषेक या प्राण प्रतिष्ठा, सोमवार का दिन होगा, 9 बजे से शुरू है। इसमें से 108 बच्ची लड़की नदी घाट से पानी लेकर आएगी, ढाक ढोल बाजा के साथ सभी ग्रामीण रहेंगे, सभी लोगों के साथ ये संपन्न किया जाएगा। 51 को ब्राह्मण रहेंगे, उसकी उपस्थिति में ये संपन्न किया जाएगा। महेश पठान के हटिया परिषद में पार्थ सारथी का भव्य मंदिर का निर्माण का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। सोमवार यहाँ 108 कुमारी मौराक्षी नदी से पवित्र जल लेकर मंदिर में आएगा, जलाभिषेक होगा। 51 पंडित को बुलाया गया है, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस मंदिर का निर्माण रानीसर प्रखंड के उप प्रमुख नौसाद शेख अपने पहल पर अपने खर्च पर कर रहा है। 32-40 लाख के लागत पर ये जो मंदिर का निर्माण करा रहे हैं नौसाद जी, वो तो इस्लाम धर्मावलंबी हैं। उन्होंने विगत 30 साल से यहाँ प्रत्येक वर्ष पार्थ सारथी का पूजा करते हैं। पार्थ सारथी पूजा का एक रोचक इतिहास है। यह क्षेत्र हेतमपुर स्टेट के अधीन था। हेतमपुर के महाराजा पुती महाराज यहाँ पार्थ सारथी मेला का स्थापना किए थे, साथ ही प्रत्येक वर्ष यहाँ पार्थ सारथी का पूजा करते थे। लंबी अवधि तक हेतमपुर स्टेट के राजा के देखरेख में यहाँ पार्थ सारथी का मेला हुआ है। 1957 में जमींदारी एवोल्यूशन के बाद, जमींदारी उन्मूलन के बाद भी यहाँ पूजा चलता रहा। हमारे यहाँ एक प्रमुख हुआ करते थे 80 के दशक में, अब्दुल कादिर शेख, उनका भाई आबुल शेख, उनका भंजाल याकत शेख, नौसाद शेख के साथ और कई लोग मिलकर यहाँ पूजा करते थे, मेला होता था। यहाँ हेतमपुर स्टेट के समय जो मेला होता था वो तो बीरभूम जिला के सिवड़ी के बड़ा बागान मेला के पैरालाल में मेला लगता था, ऐतिहासिक मेला। आज देश में जब धर्म को लेकर आपस में लड़ते हैं, तनाव उत्पन्न होता है, उस विकट परिस्थिति में हमारे यहाँ नौसाद शेख ने मंदिर का निर्माण कर भाईचारा का एक मिसाल प्रस्तुत किया है। सबसे बड़ी बात है कि रानीश्वर प्रखंड का मुसलमान जो है ये लोग बंगला भाषा भाषी हैं और इस क्षेत्र में कभी भी सांप्रदायिक भेदभाव तनाव नहीं हुआ है। हमने बहुत मुस्लिम बुद्धिजीवी को देखे हैं, दुर्गा मंदिर में, विभिन्न मंदिर में जाते हैं, एक साथ बैठते हैं और दूसरे के अनुष्ठान में भाग लेते हैं। वर्तमान परिस्थिति में नौसाद शेख जो काम कर रहे हैं ये एक मिसाल है और भाईचारा का प्रतीक है। इससे लोगों को शिक्षा मिलेगा कि सभी धर्म समान है, कोई ऊंचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। मैं तो यहाँ पहले, बहुत पहले पूजा होता था, लेकिन हम लोग का तब जन्म नहीं हुआ था। हम लोग बड़ों से सुने हैं, लेकिन
देखने को कभी नहीं मिला, सिर्फ पूजा होता था वही देखे हैं, लेकिन बहुत पहले मेला होता था उसमें नहीं देखे हैं, लेकिन अभी सर नौसा सर के इसे हम लोग का वो देखने को मिलेगा, बहुत हमको खुशी मिल रही है। इतना बड़ा मंदिर बन रहा है महेशवतान गांव में, तो और भी मतलब हम लोग महसूस कर रहे हैं कि हम लोग महेशवतान में रहने वाले हैं, इतना खुशी हो रहा है कि मंदिर देख के क्या बताएं। हम तो पूरे देशवासी को यही बोलना चाहेंगे कि धर्म का कोई नहीं है, सब धर्म एक है, और हम लोग का नौसा सर मुस्लिम हो के हम लोग का हिंदू का मंदिर बना रहे हैं, इसके मतलब हम लोग का खुशी का बात और क्या होगा। महेशवतान में इतना बड़ा मंदिर बना रहा है, सबको गाँववासी सबको ही बहुत खुशी है, सबको धन्यवाद। क्या नाम हुआ? संगीता कुना है। बताए नौसा सर जो जो कार्य किया है उन्होंने, ये देशवासियों के लिए खुशी की बात है। हर मान लीजिए हिंदू समुदाय हो या मुस्लिम समुदाय हो, उसमें जाति भेदभाव कोई तरह का कोई शिकायत नहीं है, तो अपने मन से मैंने जो सब कुछ किया है तो बहुत खुशी की बात है। किस रूप में देख रहे हैं? हाल ही मान लीजिए जैसे मेला वगैरह लगता था, तो मान लीजिए 20 साल या 30 साल पहले हम लोग आते थे देखने, सब कुछ खुला मैदान था। अब से कसाब ने मान लीजिए ये पहल जो काम किया है तो बहुत खुशी की बात है। आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं? हाँ, हम लोग मान लीजिए सर ग्रामीण क्षेत्रों से या ग्रामवासियों की मान लीजिए हम लोग का सब भाईचारा एकता बहुत बढ़िया है। हम लोग का रानी सर प्रखंड का मान लीजिए एकता है ना, बहुत बढ़िया सुंदर है, कोई भेदभाव नहीं है इसमें। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम है हमीद अंसारी।